1735 में यहाँ पर यंत्रों का जोर जोर से निर्माण हो रहा था, तो 23 को खगोली शास्त्री हैं वहाँ, उनके ये यहाँ पर नियुक्ति की गई और महाराजा जयसिंह द्वारा। और महाराजा जयसिंह बदलते प्रवेश के कारण दिल्ली से बाद में जयपुर की तरफ आ गए थे, और जीवन से प्राप्त तक यहाँ जो जयपुर की वेधशाला है यही उनके मुख्य वेधशाला के रूप में कार्य करती रही थी। इन सवाई मान जयसिंह के बाद में ये वेधशाला है, ये थोड़ी उपेक्षा का शिकार हुई थी क्योंकि उनके उत्तराधिकारी थे ईश्वरीय सिंह जी, और उनको अपने भाई से माधव सिंह से उत्तराधिकारी के लिए युद्ध लड़ना पड़ा। इस वजह से वेधशाला की तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। उनके बाद जो प्रताप सिंह थे उनके टाइम में थोड़ा बहुत मरम्मत किया गया था, लेकिन फिर भी इस स्पेशल की कोई काम नहीं किया गया। और इस समय में इससे गन फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया। सुबह सुबह जाइए वाकई में 6 बजे बारे में वो, लेकिन ये सच है मुझे बहुत मुश्किल से वो मिला था। क्या कहते मुझे मतलब वो ही नहीं मिल पाया था मौका, सुबह 6 बजे भी मुझे ना मौका नहीं मिल पाया। तो मैं 5 बजे वाले में मंडे मतलब उसमें आया था 19 है ना, तो 19 में भी आया था मैं, 19 से भी पहले आया था 15 में भी आया था मैं 2 दिन, तो मुझे सुबह सुबह तो मिला ही नहीं था रिकॉर्ड करने का, तो 19 वाले में मिला मुझे, नहीं तो 15 में भी आया था मैं, 15 16 उस वाले में तो बिल्कुल भी नहीं मिला मुझे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप इस मैप को देख सकते हो, ये मैप एशिया का मैप है, और आज हम जाएंगे भारत में, और भारत में राजस्थान में भी, और राजस्थान में भी जयपुर में भी। वहाँ एक जंतर मतलब बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है, और वह 300 साल पुराना आर्किटेक्चर। अगर कोई बाहर से भी आया आए और अगर भारत के बाहर से भी या विदेशी कोई भी आता है तो वह आसानी से आ सकते हो। यहाँ फ्लाइट आती रहती है दिल्ली से जयपुर, और दूसरे देश से भी जयपुर आती है, लेकिन अगर दिल्ली भी आती है तो ये दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। एक बार आप दिल्ली पहुँच भी जाओ तो जयपुर बहुत आसानी से आ जाते हो। लेकिन जयपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और इसलिए वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चल रही हैं? वैसे तो आप एक बार ऑनलाइन देखेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन इस बार सब कुछ है, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ तक जयपुर तक आसानी से आप पहुँच सकते हो। अब आप दूसरे मैप भी देख सकते हो, इस मैप में दिखाया गया है कि दिल्ली से जयपुर कितना दूर है, तो आप देख सकते हैं। और वहाँ से भी अगर कोई आप टैक्सी या कोई अन्य साधन लाना चाहे तो आप आसानी से मिल जाएगा। आपको 500 रुपये तक की गाड़ी, 500 से तो नहीं कह सकता, ज़्यादा मतलब मिल जाएगा 1000 से, यानी आपको भी शहर से ट्रेन मिल जाएगी, वहाँ से आसानी से आपको मिल जाएगी, और इसलिए आप आसानी से पहुँच सकते हैं। हालांकि दिल्ली से जयपुर की दूरी 308 किलोमीटर है, क्या कहते हैं, 191 मील है, वो 190 मील है। जयपुर के मध्य में स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला और विश्व धूप घड़ी है जो 18वीं शताब्दी की है। और इस जगह की यात्रा में आपको पुराने जमाने के खगोल विज्ञान का पता लगाने और उसे समझने में मदद मिलेगी, और किस कैसे बीते युग के लोगों ने समय निर्धारित किया, और आकाश पिंडों के स्थानों और गतिविधियों की खोज की। छुट्टियों की यात्रा या सोलो ट्रैवल आदि के लिए जयपुर में अपना होटल बुक करने योजना बनाते समय इस विरासत आकर्षण को अपनी यात्रा कार्यक्रम में शामिल करना सुनिश्चित करें। क्या आप जानते हो 307 पुराने संरचना के बारे में? या अधिक जानने के लिए उत्सुक हो तो इस प्लेटफॉर्म पर आप जयपुर के जंतर मंतर के बारे में वह सब कुछ बताते हैं, और आपको जानना चाहिए कि इसमें ऐतिहासिक समय पर शुल्क
और अन्य दिलचस्प विवरण शामिल है आदि। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज थर्सडे, वेलकम टू माय ब्लॉग। माय नेम इज निशान दुरान और आज 5 अक्टूबर है और हमेशा की तरह न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप जानते हैं लंबे टाइम से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी ना कुछ क्या कई सारी वीडियो डिलीट हो गई थी, उनको दोबारा बनाने में बहुत टाइम लगा। आई थिंक मार्च के आसपास मेरी 7 या 9 वीडियो डिलीट हो गई थी, उसके बाद दोबारा बनाया तो अब यानी अप्रैल से सितंबर तक उन्हीं को बनाने में मेरा टाइम लग गया, तो उसके लिए मैं सॉरी। और अब न्यू कंटेंट के साथ हमेशा आता रहूँगा। और मैं फिलहाल जयपुर में अपने घर, यहाँ से मैं जाऊँगा जंतर मंतर, वहीं से आपको कैसे वहीं से आपको वो सब शेयर करूँगा। तो फिर आप सब मेरे इस ब्लॉग के साथ बने रहिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस कंटेंट को आगे तक शेयर करिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं जंतर मंतर आ गया हूँ, मैं अपनी बाइक में आया हूँ। तो फिलहाल मैं पहले बाकी बताऊँगा किस बाइक में आया हूँ, क्योंकि भीड़ हो जाएगी फिर टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको वो बताता हूँ जहाँ मतलब पहले टिकट लेनी होती है, फिर वहाँ से वो किया जाता है। तो पहले अपन टिकट वे करेंगे, वहाँ से हमें पता लगेगा कि क्या क्या। हाँ मतलब वहाँ से टिकट लेनी होती है, बाहर की तरफ एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ से टिकट लेनी है। तो फिर अब मैं आपको पहले टिकट देते, ठीक है? फिर अब मुझे वो लेने जाना टिकट। बताता हूँ जंतर मंतर के बारे में कुछ। और जंतर मंतर का निर्माण करवाया था तो वह करवाया था जयपुर के संस्थापक, जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने। और महाराजा सवाई जय सिंह जंतर मंतर ने इस जंतर मंतर के साथ अन्य स्थानों पर भी जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। वह स्थान थे जयपुर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, वाराणसी, लेकिन वर्तमान में केवल 5 ही वैधशाला ही हैं, क्योंकि मथुरा वाली वैधशाला 1857 की क्रांति से पूर्ण नष्ट कर दी गई है। और अब उन सब में सबसे बड़ा जयपुर वाला है। दुनिया में जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह ने 8वीं शताब्दी की शुरुआत में कराया था। इसके अलावा दुनिया में बनाई गई जंतर मंतरों का निर्माण किया गया भारत, धूपगढ़ी, मिस्र, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, इटली, टर्की जैसे देशों में भी पाया जा सकता है, और संयुक्त अरब अमेरिका, लेकिन उनमें से कोई भी इतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि जयपुर में सम्राट यंत्र, जो फुट लंबा सबसे बड़ा पत्थर है दुनिया में। धूपघड़ी तो ये प्रसिद्ध सम्राट यंत्र या धूपघड़ी है जो फिट से भी अधिक ऊंची है, लेकिन ये कैसी होती है? समय बताओ नहीं रोको, समय कैसा बताता है। वैसे आप देख सकते हो 2010 में ये शामिल हो चुकी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर। ये देखिए, जंतर मंतर का निर्माण कब हुआ इस तरह से पक्का दावा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो इतिहासकार है उनको भी सटीक पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन 1728 का दौर जो टाइम था उसमें उस वक्त बहुत सारे नियंत्रण का निर्माण हो चुका था और यह निर्माण का कार्य चलता रहा 1738 तक। तो इस तरह से यह यहाँ पर बहुत सारे यंत्र बनाए गए थे। और जंतर मंतर का नाम जंतर मंतर क्यों है ये आपको नहीं पता है, आपको बता देता हूँ। वह संस्कृत के शब्द यंत्र से बनाए, इसका मतलब हो गया इंस्टीट्यूट या फिर मशीन। और मंत्र शब्द जो
बनाया है वह मतलब है उसका शब्द संस्कृत के शब्द मंत्र से है और जिसका मतलब होता है कंसल्ट करना या फिर कैलकुलेशन करना। इस तरीके से जो यंत्र द्वारा कैलकुलेशन की जाती है उससे कहा जाता है जंतर मंतर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित ये हवा महल और सिटी पैलेस के बीच बना हुआ है। इस जंतर मंतर की यात्रा की बात करें तो यहाँ भारत के किसी भी क्षेत्र से बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है क्योंकि जयपुर शहर में स्थित रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे को देखा जा सकता है जो भारत के लगभग सभी शहरों में स्थित है। क्षेत्र काफ़ी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। ये जो जंतर मंतर मौजूद हैं हवा महल और सिटी पैलेस के बहुत नज़दीक, लेकिन ये जो जंतर मंतर है ये जाना जाता है दुनिया के सबसे बड़ी सनडायल के लिए, सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये यंत्र को लघु सम्राट यंत्र कहा जाता है और ये सैंडल के नाम से भी जाना जाता है और सूर्यगढ़ के में और इसकी जो एक्यूरेसी टाइम है 20 सेकंड तक, ये अब में आप में बहुत बड़ी बात है। उस वक्त भी 20 सेकंड का एक्यूरेट टाइम बताया जाता था, तो लिए आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। आप देख सकते हो ये जो बहुत पूरी मार्वल यानी स्टार्टिंग से जो मार्वल चल रहा है 1 2 3 4 5 6 यानी ये कि जो मार्वल है ये पूरे 6 में डिवाइड कर दिया गया। और इनमें से एक विशेष बात ये, हर एक मार्बल का टुकड़ा 1 घंटे का समय बताता है। आपको मैं और नज़दीक से मार्बल के हिस्से को दिखाता हूँ, ये वह कैसे बटे हुए हैं और उनको भी कई हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ आप इस मार्बल को देख सकते हैं, उन्हें भी बांटा गया है 1 2 3 4 यानी ये 4 भागों में बांटा गया है। जो टाइम आप दिखा रहे हो जो मेरे इस राइट हैंड के हाथ पे कितना मिनट दिखा रहा है होगा, ये 15 मिनट का टाइम शो हो रहा होगा और इनको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 यानी ये देखिए 5-5 मिनट के 3 भाग हैं। ये देखिए ये अब जो ये सब 5 मिनट हैं और उनको भी डिवाइड कर दिया गया है 1-1 मिनट, ये देखिए 1 है। और ये यहाँ वहाँ पर देखिए स्टार्ट हो रही है 6 7 8 9 10 11 and 12 यानी सुबह के 6 बजे से दोपहर के 12 बजे टाइम आप इस हिस्से से देख सकते हैं और बाकी के 6 घंटे शाम वाले 12 से आगे से शाम के 6 बजे के टाइम जो होता है इसके दूसरे हिस्से के अंदर वहाँ से देखा जाता है। ये दीवार आप देख सकते हैं जो दोनों दीवारों के बीच है। दीवार की परछाई मार्बल पर पड़ती है तब समय का पता चलता है जयपुर के लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितना अंतर होता है। आई थिंक 15 मिनट का अंतर होता है। सुबह सुबह आकर सबसे पहले इस चीज़ का चार्ट बनाया जाता है और आप देख सकते हैं ये चार्ट इस तरह से बना पाएगा और हर सुबह ये चार्ट आपको सबसे पहले बनाया जाता है। इसका मतलब है आप जो कुछ कैलकुलेट करते हो उसमें 15 मिनट जोड़ लो। ये बीच वाली दीवार आप देख रहे हैं ये 27 डिग्री की एल्टीट्यूड पर बनाई गई है क्योंकि जयपुर जो है वह जो क्षितिज पर रहा है यानी 27 डिग्री नॉर्थ की तरफ स्थित है और इस वजह से बाकी के सारी यंत्र इसी तरह से बनाए गए हैं तभी वे यथार्थ के साथ कर पाते हैं। 1735 में यहाँ पर यंत्रों का जोर से निर्माण हो रहा था तो 23 को खगोली शास्त्री हैं वहाँ उनके ये यहाँ पर नियुक्ति की गई और महाराजा जयसिंह द्वारा, और महाराजा जयसिंह
बदलते प्रवेश के कारण दिल्ली से बाद में जयपुर की तरफ आ गए थे और जीवन से प्राप्त तक यहाँ जो जयपुर की वेधशाला है यही उनके मुख्य वेधशाला के रूप में कार्य करती रही थी। इन सवाईमान जयसिंह के बाद में ये वेधशाला है। ये थोड़ी उपेक्षा का शिकार हुई थी क्योंकि उनके उत्तराधिकारी थे ईश्वरीय सिंह जी और उनको अपने भाई से माधव सिंह से उत्तराधिकारी के लिए युद्ध लड़ना पड़ा। इस वजह से वेधशाला की तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। उनके बाद जो प्रताप सिंह थे उनके टाइम में थोड़ा बहुत मरम्मत किया गया था लेकिन फिर भी इस स्पेशल की कोई काम नहीं किया गया। और इस समय में इससे गन फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद 1768 के राम सिंह जी जो थे उनके सामने भी इस अंदर बहुत सारे यंत्र थे और उनको थोड़ा रिपेयर किया गया और यंत्रों को जो लाइन में थी उनको पिघलाकर और शीशे को जो लीड होता है वह डाला गया और साथ में कुछ जगह जहां पर प्लास्टर हटा हुआ था उन सब चीज़ों को पत्थर को रिप्लेस किया गया था। तो इस तरीके से यंत्र को ज़्यादा टिकाऊ बनाया गया था। इस मरम्मत से बहुत फ़ायदा हुआ उन यंत्रों को। ये आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। इसके बाद में कहा जा सकता है कि सही ढंग से देखभाल हुई थी तो चल रही माधव द्वितीय थे उनके शासनकाल तक। लेकिन कहा जाता है कि यह स्वर्ण काल का था, जंतर मंतर का जयपुर वाले वे महाराजा जयसिंह के काल में था। तो इस तरीके से जंतर मंतर आज भी बहुत समय बाद कई सारे थपेड़ों को झेल रहे हैं और वैसे ही कोई वैसे खड़ा है। जंतर मंतर के दूसरे यंत्र की तरफ जो एक सूर्य घड़ी है और लेकिन ये पहले वाली सैंडल से कैसे अलग है। पहले वाली सैंडल से सिर्फ हमें दिन में समय के 12 घंटे टाइम पता चलता है। इस घड़ी से 24 घंटे का टाइम पता चलता है और ये घड़ी दो भागों में विभाजित है। पहला भाग आगे की तरफ है और जो दूसरा भाग है पीछे की तरफ है। बीच में अभी ये जो देख रहे हो ये रोड लगी हुई है, छड़ लगी हुई है और इस जहाँ पर इस रोड की परछाई गिरेगी वहीं पे जयपुर का लोकल टाइम पता चलेगा। वहाँ पर भी अलग अलग टाइम लगे हुए हैं, देखो 10, 11, 12। आप पास आपको दिखाता हूँ, आपको दिखेगा कि ये सब पर समय लिखे हुए हैं और मतलब उन पर लिखावट है और इसे भी अलग अलग विभागों में बांटा गया है। बीच में आप देख सकते हो धातु की झड़ है, आप देख सकते हैं। इस पर रोशनी नहीं पड़ रही है, इसका मतलब है ये घड़ी काम नहीं कर रही है। इस स्थिति में दूसरा भाग वे काम करेगा जो पीछे है। देखा आपने, इसमें भी समय को बांटा गया है और छोटे छोटे भागों के अंदर। ये वाली जो सनडायल है इसमें छः महीने ये वाला हिस्सा काम करेगा और 6 महीने बाद उसे उस तरफ वाला हिस्सा वाला काम करेगा। तो इस तरीके से धरती के उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध और उनके प्रतीक से हैं। ये सूर्य की रोशनी में भी काम करती हैं और चंद्रमा की रोशनी में भी काम करती है, इसलिए हमें 24 घंटे का टाइम बताती है। इस यंत्र का नाम ध्रुवी दर्शिका है। जैसे नाम है से पता चलता है इस यंत्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि ध्रुव तारे, यानी ये जो यंत्र है सिर्फ रात्रि 8 बजे की ही कार्य करता है। थोड़ा सा और मैं आपको दिखाता हूँ पास से, तो देखिए आपको ये जो बाण जो एरो बना हुआ है तो वहाँ से आकाश में ध्रुव तारा दिखाई देगा क्योंकि जो जरूरत है उसकी जो खाई है वह हमेशा उत्तर की तरफ ही दिखाई देता। जैसे इस वजह से ही जो पुराने समय में समुद्र यात्रा करने के लिए जाते थे
उस ध्रुव तारा के आधार पर दिशा का ज्ञान करते थे। इस तरह से ये कंपास की तरह है। इस यंत्र का नाम है यंत्रराज, जैसे इसके नाम से ही जाहिर है। यहाँ इस वेशशाला में जंतर मंतर में मौजूद जितने भी यंत्र हैं ये उनका राजा है, उन सबका ये राजा है। तो जानिए इसकी इम्पोर्टेंट इसी से पता चलती। आप देख सकते हैं 360 डिग्री का गोलाई वाले धातु के प्लेट की जैसी इसके बीच में छेद भी, छेद जो कि प्रतीक हमारे इक्वेटर रेखा की तरह है, जिसे हम मध्य रेखा भी कहते हैं। और इसके ऊपर आ रही है तिरछी लाइनें बनी हुई हैं, वे कहलाती है अक्षांश और देशांश, यानी लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड को दर्शाती हैं। इस यंत्र की खास बात यह है कि इसमें हमने आकाश में मौजूद सभी तारे, ग्रह, नक्षत्र के नाम, वह हमें पता चल जाते हैं, उनकी पोजीशन पता चल जाती है। कैसे? इसके लिए बेसिकली स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका जो उपयोग सिर्फ रात में ही कर सकते हैं, और रात में ही वैसे ऑब्जर्वेटरी बंद रहती है। इसलिए स्पेशल परमिशन के लिए जो एस्ट्रोनोमर होते हैं और एस्ट्रोलॉजर होते हैं लोग यहाँ पर आते हैं। इसी बीच वाले छड़ के ऊपर टेलीस्कोप लगाया जाता है और फिर आप उसको डायरेक्शन में घुमाने में इन लाइन के अनुसार देख पाएंगे, और आप देख पाएंगे ग्रह नक्षत्र के नाम। आप देख रहे होंगे यहाँ दो यंत्र दिखाई दे रहे होंगे, और दोनों यंत्र वाकई में बहुत बहुत एक काम के बहुत हैं, अब बहुत ही वैल्यूबल है। और आप देख पाओगे कि दोनों में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और तो राइट और लेफ्ट दोनों की जो भी लंबाई है ये दोनों ही चीज़ों में है, लेकिन जो राइट वाला है वह ओरिजिनल है, और जो आपके उल्टी हाथ पर है वह प्रोटोटाइप है, दैट मीन्स वो एक नकल है। ये यंत्र का नाम है जयप्रकाश यंत्र, और ये इस यंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी एक हिस्सा काम नहीं करता तो दूसरा हिस्सा काम कर रहा होगा के लिए आप देख सकते हैं। और आइए देखिए जरा, इसके अंदर भी मार्बल की पट्टियां हैं और इसके ऊपर लाइन बनी हुई है, उनको भी कई भागों में विभाजित किया गया है। तो ये जो यंत्र है हमें बताता है जो सूर्य देव कौन सी राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उनका पता इनसे पता चलता है, और उनका कार्य प्रणाली कैसे है वह भी बता देता है। और ये देखिए, ऐसे यंत्र के ऊपर ये जो चार तार हैं ये बंधे हुए हैं, और इसके केंद्र के अंदर बीच में धातु की प्लेट जो कि प्रतीत है सूर्य का, सूर्य की रोशनी इस पर पड़ेगी और धातु की प्लेट की परछाई है सूर्य जी मार्बल के टुकड़े पर पड़ेगी, और सूर्य देव जी की जो राशि में विचरण कर रहे हैं होंगे इसके बीच में ही जो लाइन बनी हुई है, देखिए वे इस जो इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा का प्रतीक है, और सेम इसमें भी वैसे ही चार धातु की प्लेट बीच में लगी हुई है, यानी दोनों का कार्य करने का तरीका दोनों का सेम ही है, लेकिन जो डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो धातु की प्लेट देख रहे होंगे वह जो मार्बल की पट्टी लगी हुई है, जिस स्थान में इसमें मार्बल लगा हुआ है उसके स्थान पर खाली है, और इस वाले का जो स्थान खाली है आप देख रहे होंगे दूसरे यंत्र उस जगह पर मार्बल लगा हुआ है, जाने की अंतर एक दूसरे के पूर्वक है वो होता है उसके समान है, जैसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। जब एक हिस्सा काम नहीं करेगा तो दूसरा हिस्सा काम करेगा, यानी जयप्रकाश यंत्र एक हिस्सा का काम करेगा और एक घंटे का काम करेगा, और एक घंटा दूसरा वाला भाग काम करेगा। चलते हैं दूसरे यंत्र की तरफ, 12 राशियों वाले यंत्रों तक
हर एक यंत्र अलग राशि के लिए है और जन्मपत्र बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जन्मपत्र बनाने के लिए हमें क्यों चाहिए होता है? हमें जन्म का स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय और सूर्य देव कौन सी राशि में विचरण ये पता लगाया जाता है जयप्रकाश यंत्र से। और जयप्रकाश राशि का पता लगा लिया और उसके बाद में इन 12 राशियों में जो भी आपकी राशि है उस यंत्र तक चले जाते हैं। जैसा कि मेरी कुंडली, मेरी जो है स्क्रोपियो, फाइनली 12 राशियों खोजते हुए आप पहुँचे मेरे इस यंत्र स्क्रोपियो यंत्र तक। बेसिकली इसके जो स्टैम्प पर लिखा हुआ है, ये यंत्र की सहायता से निकाला जाता है जन्म का समय और उसका पता लगाया जाता है जो सूर्य देव कौन से डिग्री के अंदर है। आगे कैलकुलेशन के रिकॉर्ड होते हैं, ये आप देख सकते हैं। मेरी जो भी राशि है वह स्क्रोपियो वाली है, बाकी आप यहाँ ये देख सकते हो, अलग अलग राशियों के आप देख सकते हो। तो आप देख चुके हो 12 राशियों के 12 यंत्र। इनको ये भी मार्बल की पट्टी लगा के उसको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। और आप पास देख सकते हो ना, पोज करके आप इन चीज़ों को वो पोज कर देख सकते हो इस वीडियो को। आप उनमें जब देखोगे, उन्होंने डिग्री भी लिखी हुई, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ऊपर भी 90 डिग्री। तो उनके सूर्यदेव जिस भी राशि में होंगे उसे राशि के यंत्र तक आना होगा और उसमें फिर यहाँ जहाँ भी परछाई गिरती है इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके सूर्य की डिग्री निकाली जाती है और जन्म के समय के आधार के ऊपर और आगे जन्म पत्र का निर्माण होता है। जैसे राशि के यंत्र की डिग्री का पता लगाकर हमें जाना होगा, जो यंत्र है वहाँ जाना पड़ेगा, फिर उनके ऊपर टेलीस्कोप लगाकर उसी डिग्री के हिसाब से देखा जा सकता है नक्षत्र क्या है। और बच्चे के स्थान से भी पता लगाया जा सकता है, आपका जो भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता लगाया जा सकता है। इन सब का कैलकुलेशन के आधार पर जन्म पत्री का निर्माण होता है। आपको समझ आ गया आया होता है। ये वाक्य में बहुत मेहनत से इस नॉलेज को रखा गया है इतने लंबे टाइम से, और जो इन्होंने बनाए थे, मतलब वाक्य में हर एक चीज़ को अच्छी मदद किया गया, या कहे उन्होंने बहुत मदद की है। तो मेरे पीछे आप विशाल दीवार देख रहे होंगे, आप सोचेंगे क्या है ये चीज़। ये भी एक यंत्र है, क्योंकि हम मौजूद हैं यंत्र मंत्र के, यंत्र के अलावा यहाँ क्या हो सकता है। जो यंत्र देखा है वह बेहद खास है, क्योंकि हर भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सनडायल है और सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। इसका जो एक्यूरेसी वह है 2 सेकंड तक। पहले वाली थी उसकी एक्यूरेसी थी 22 सेकंड, और इसकी बहुत ही विशाल सूर्य की एक्यूरेसी की 2 सेकंड तक की है। चलिए इसे पास से आपको दिखाता हूँ। उन्होंने मैंने तो इसकी भी संरचना जो पहले वाली अंतर राज की थी उनके जैसी थी, लेकिन इसका जो साइज है आपको बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसका जो साइज आकार है बहुत बड़ा है। इसी विशाल आकार की वजह से इसकी जो एक्यूरेसी बढ़ गई है 2 सेकंड। जैसे कि पहले वाली घड़ी में आपने देखा था मार्बल के टुकड़े लगे हुए हैं, इसमें भी मार्बल के टुकड़े लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें इस समय इस तरह से कैसे बनाए। और आपको दिख रहा होगा वह जो बना रखा है कि किस तरह से सर्कल बनाया गया है, और अर्धचंद्र आकार की आकृति का दिख रहा है आपको। आपको मैं नीचे ले जा रहा हूँ, लेकिन ऊपर जाने का नहीं है,
और आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है, इसमें तो ताला दिखाई दे रहा है और वह बहुत ही पुराना है और आपको ही दिखाई दे रहा होगा। नीचे भी जाने का रास्ता है तो जा सकते हो नीचे, जो घड़ी बनी है वह देख सकते हैं और ऐसा ही मार्बल पर घड़ी बनी बनाई है जैसा कि आपको मैंने दिखाया था। इस विशाल दीवार के परिचय इन दोनों के मोड़ पर दोनों हैं और ये जो प्लेट पर भी गिरती है, इसके आधार पर समय की कैलकुलेशन करते हैं, हमें समय का ज्ञात होता है वह भी 2 सेकंड के साथ है। इस यंत्र को कहा जाता है राम यंत्र, जो भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें भी इसी तरह की प्रणाली, अलग एक भाग काम नहीं करता तो दूसरा भाग काम करता है। लेकिन याद रखना, अगर जंतर मंतर में मतलब यंत्र के किसी भी यंत्र पर उसका अगर धूप नहीं आती है तो वे काम नहीं करते, लेकिन कुछ काम करते हैं, जैसे कि रात में भी काम करते हैं और दिन में भी। आइए मैं आपको थोड़ा सा और वैसे ही देखा वही आप वीडियो को थोड़ा देर पहुंच करके वह चीज़ देख सकते हो, मतलब इसमें अंदर की भी चीज़ें हैं, हर संरचना किस तरह से संरचना की है। मैंने फोटो भी खींच ली है, वीडियो आप देख रही रहे हो। अब आप इसमें राम यंत्र को दिखाता हूँ, आप देख सकते हो एक बीच में धातु की और एक धातु की मदद से हमें ये पता चलता है कि सूर्य देव उनका क्षितिज होराइजन और इसी से कितने डिग्री के ऊपर में और इसकी परछाई जहाँ भी पड़ती है। आप देखिए, मतलब उसमें ना डिग्री लिखी हुई है और उनकी जगह आप दीवारों पर देखेंगे उसमें भी डिग्री लिखी हुई है, जैसे कि 40 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री, इस तरह से वहाँ पर डिग्रियाँ लिखी गई हैं। तो इस तरीके से इस राम यंत्र से हमें सूर्यदेव की एटीट्यूड का पता लगता है और होरिजन से, और साथ में ही हमें पता लगता है धरती माँ का रोटेशन वह कितना है। ये कैलकुलेशन होती है, एक्सपर्ट लोग आराम से कर सकते हैं। यहाँ यंत्र जो आप देख रहे हैं, इसमें जो रिंग बनी हुई है इसे कहा जाता है चक्कर यंत्र। ये खगोलीय पिंड की डिक्लेशन और एंगल होती है वह पता लगाने में काम आता है। ये 360 डिग्री के ऊपर बनाया गया है और इसका प्रत्येक भाग 10 भागों में बांटा गया है। आप पास से देख सकते हो, आपके दूसरे ने पता लगाने में मुझे नहीं लगता कैमरे में आपको पता लगेगा, आपको बहुत पास आकर देखना पड़ेगा, हो सकता आप पोज करके देख सकते हो। ये जो आप छेद, इस बीच में एक धातु की नली लगाई जाती है और फिर रोटेशन के हिसाब से फिर एंगल का पता लगाते हैं। तो आपको मेरे कंटेंट अच्छा लगा होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड करो। जो नहीं आए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आप जानते हो जैसे मेरा ऑफिशियल फेस उस पर फोटोग्राफी का भी है और हिचहाइकिंग का भी, दोनों पे मैं फ़ोटो अपलोड कर दूँगा।